मैंने यहाँ पर WhatsApp को ओपन किया और WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मेरी स्टेटस अगर देख रहे हो तो यहाँ पर एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, इस वीडियो में आपका सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर व्यूज़ भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो व्यू का आइकॉन है स्टेटस का वो यहाँ पर क्लोज है। तो इसको कैसे सही करना है, इसको सही करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल का जो WhatsApp है उसको तो ओपन करना ही है। यहाँ पर WhatsApp का सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पर देख सकते हो ये WhatsApp हमने ओपन किया, यहाँ पर हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आसान सेटिंग आपको करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने WhatsApp की सेटिंग को ओपन कर लिया। WhatsApp की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये ऑप्शन होता है रीड रिसिप्ट का। बेसिकली क्या होता है, कुछ बार अगर हम सेटिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये क्लोज होता है, यहाँ पर ये डिसेबल होता है, तो इसको फ्रेंड्स आपको इनेबल रखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इनेबल अभी किया है, वैसे ये इनेबल था पर आपको मैंने दिखाने के लिए किया था, जैसे कि यहाँ पर कभी ये डिसेबल होता है। अगर आपका भी कुछ इस तरीके से है, अगर आपका भी डिसेबल है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि इसको टैप करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, यानी कि ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि WhatsApp को रीस्टार्ट करना होगा। तो चलिए हम WhatsApp को यहाँ से हटाते हैं, ये हमने हटाया WhatsApp को। अब WhatsApp को फिर से ओपन करना है, उसके बाद WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको स्टेटस हम मैं अपलोड करके बताता हूँ कि वो साइन जो है यहाँ से रिमूव हुआ है या नहीं। तो चलिए फिर से हम ओपन करके स्टेटस जो है यहाँ WhatsApp पे अपलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर WhatsApp ओपन किया मैंने, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो हट चुका है और यहाँ पर जो है व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था, बिल्कुल आसान, इस तरीके से आप अपने WhatsApp स्टेटस की जो व्यूज की प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा मोबाइल अभी आप यूज कर रहे हो ताकि मेरे को पता चल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।